हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज सैटरडे है और डेट है आज 26 मार्च। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, लोकली मतलब दिल्ली में या फिर नोएडा में कहीं, अभी भी नहीं पता अभी कहाँ जा रहे हैं। और घूमने का प्लान इसलिए बना है क्योंकि आज चाची गई हैं वृंदावन अपनी फ्रेंड के साथ, तो हम लोग भी फिर कहीं लोकल ही घूम लेंगे जाके। और यू भी, मैं और लक्ष्य जा रहा है, लक्ष्य आगे बैठ गया आज अकेले। तो अभी हमें भी नहीं पता डेस्टिनेशन हम कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ चाचा को पता है, बाकी सबके लिए सरप्राइज है। तो अभी हम आपको मिलेंगे सीधा जाके लोकेशन पे। तो गाइस, अभी हमें पता चल गया हम कहाँ आए। हम आए एयरफोर्स म्यूजियम, तो दिल्ली कैंट में है। अब अंदर पता नहीं कैमरा अलाउड होगा या नहीं होगा, हम अभी पार्किंग में है। धीरे बोले पता चले वो। अरे यहाँ पे कोई नहीं है अभी तो, अब यहाँ पार्किंग में है अभी हम इसकी म्यूजियम की, तो पता नहीं अंदर कैमरा अलाउड है नहीं, तो अभी तो यहाँ बंद कर लेते हैं। बाकी पूछ लेंगे, अगर अलाउड होगा तो अंदर का रिकॉर्ड कर लेंगे। तो गाइस, अंदर कैमरा तो अलाउड है। अब मैं तेज बोल रहा हूँ, पता नहीं आवाज़ आएगी नहीं आएगी क्योंकि मास्क लगा हुआ है इसलिए। तो सामने से आपको यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा और सामने गेट है, वहाँ पे एंट्री होती है, कितने मेंबर्स हैं ये सब डिटेल्स, और यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है युद्ध विजय स्मारक, ये वॉर ट्रॉफीज है, ये पुरानी वाली जो लड़ाई में चलती है जीप वो है। और ये यहाँ पे देखिए लिखा है, एमएस बाबा के नेतृत्व में 4 लड़ाकू हंटर विमानों ने पाकिस्तान सेना को फुल टैंक रेजिमेंट को टेस्ट कर दिया था। यही लौंगे वाला पोस्ट जो बॉर्डर में जो लड़ाई दिखाई थी। अच्छा, तो गाइस ये वही है पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी टैंक है, टैंक है ना, पाकिस्तानी टैंक के सामने रखा है जो। हाँ, ये जो बॉर्डर मूवी में आपने देखा होगा, वो जैकी श्रॉफ जो टैंक्स को मतलब तबाह करता है, नष्ट करता है, तो ये भाई इस पे लिखा है भारतीय वायुसेना द्वारा 1971 में के युद्ध में क्षतिग्रस्त चीन उत्पादित पाकिस्तानी टैंक, मतलब चाइना का मैन्युफैक्चरिंग है पाकिस्तानी टैंक है ये। और ये जो आपको पीछे वो दिख रही है वो भी रॉकेट लॉन्चर की ही गन है। यहाँ पे लिखा है दे ट्राइड टू कास्ट एन ईवल आई ऑन इंडिया, उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आग उठाने का दुस्साहस किया था। और ये वो, ये भी शायद पाकिस्तानी टैंक है, ये भी है वो ट्रक, पाकिस्तानी ट्रक है ये। ये पाकिस्तान से छीन लिए थे ये भी इंडिया ने। ये यू भी वो है, ये शायद ये गोले हैं, ये प्लेन में लगाने वाले मिसाइल्स हैं ये। ये लिखा ना 1971 के भारत पाक युद्ध में नष्ट पाकिस्तानी सेवर जेट वायुसेना के अवशेष। अच्छा, ये उसकी मिसाइल वगैरह वो देखो उधर, वो कॉकपिट या इंजन में अगर पड़ा है झंडा बना हुआ, तो वो पड़ा हुआ है वो प्लेन का। अरे पापा वो देखो उधर वो वाली मशीन भी है जो टेरर मशीन, ये सारी चीजें ना यूवी है, पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान से छीनी हुई है ना, ऐसी दालत से दबाने में ये प्लेन का वो उधर पड़ा है, वो कॉकपिट और वो उधर भी पड़े, ये प्लेन के अवशेष है बचे हुए। वैसे तो पूरा उड़ गए होंगे ना। ये भी गाइस पाकिस्तानी टैंक है जो युद्ध में नष्ट किया गया था, पाकिस्तानी गाड़ी जो टैंक मतलब प्लेन खींचने वाली। ये लोग ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, प्लेन प्लेन एक, एयरक्राफ्ट इंजन दो, रिमार्क ऑफ कॉकपिट तीन, इजेक्शन सीट चार, ये सब सामान यहाँ पड़ा हुआ पाकिस्तान का। हाँ, ये यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हो, मशीन गन 7, ड्रॉप टैंक 8, रॉकेट 6। और ये है गाइस इंडियन एयरफोर्स का पुराना हेलीकॉप्टर S5, अमेरिका का बनाया हुआ S55, ये यहाँ पे लिखा है सब निर्मित संयुक्त राज्य अमेरिका 1954 से 1966 तक ये शायद लोग चला था ड्यूटी में था।
ड्यूटी में था, उसके बाद लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इसका टाइप और रोल क्या था, इंजन पावर लिखी है, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए गाइस बैंक्स, एक है ये बैंक्स, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक। ये है आई ऑफ मेहर बाबा, गेट फॉर इनोवेशन। तो गाइस ये भी एक इंडियन आर्मी का ही हेलीकॉप्टर है, अभी हेलीकॉप्टर दिखाता हूँ। ये उसके मिसाइल्स हैं, बॉम्ब है, मतलब ये सारे वहाँ पे सब लिखा हुआ है। गोप्रो में पता नहीं कितना हो रहा है क्योंकि इसमें जूम का ऑप्शन नहीं होता। तो ये है इसका हेलीकॉप्टर, ये इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है, इसको बोर्ड पे लिखा भी होगा। MI-4 ये है, MI-4 ये भी USR का है, निर्माता देश। तो गाइस ये है शायद कार्गो प्लेन या पैसेंजर प्लेन है, बॉम्बर प्लेन है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है, इसका नाम है कैनबेरा। कैनबेरा टाइप ऑफ रोल, ये अच्छा, ये टू सीटर है, ओनली फॉर नेविगेटर, लाइट बॉम्बर और फोटो रिस एयरक्राफ्ट। अच्छा ये बॉम्बर वाला है, नेविगेशन के लिए, बॉम्ब गिराने के लिए, इन सब के लिए ये। और एक ये वाला मुझे लग रहा है कार्गो प्लेन है, यहाँ पे लिखा है इसका नाम है लिबरेटर B-24। और इसका जो ये है हैवी बॉम्बर मेरी टाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट। और ये है प्लेन लगे हुए, देखो चार इंजन, इसमें चार इंजन है, दो और दो, बहुत बड़ा है ये तो, बहुत ही ज्यादा। अरे ये देखो लक्ष्य, ये देखो इसका आगे मशीन गन लगी है, ये आगे मशीन गन लगी है इसके आगे, मेरे को लगा नाक है। नहीं ये मशीन गन है, गोली चलाने के लिए। और यहाँ पे नीचे कैमरा भी होगा इसमें, यहाँ पे ये वाइट वाइट है ना, ये कैमरा है। ये वाला प्लेन ढक रखा है, ये वो वाला प्लेन है जिसके आगे प्रोपेलर होता है, आगे इंजन होता है, ये वो वाला प्लेन है। ये है ना कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर, ये सब इसका नेम लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आपको अंदर लेके चलते हैं, मेन चीज तो अंदर है। तो गाइस अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, एक बार मैं आपको ऐसे व्यू दिखा दे रहा हूँ यहाँ का, उसके बाद आपको एक एक करके डिटेल में बताऊँगा। तो गाइस ये है अपोलो लूनर मॉड्यूल, ये स्पेस क्राफ्ट है, यहाँ पे सब लिखा है। अभी मैं आपको इसका व्यू दिखाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये। और उसके पास में है ये मारुति HF-24, इसके पीछे भी काफ़ी सारे हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये प्लेन तो। तो गाइस ये है हॉकर हंटर, कट हेयर फॉर इमरजेंसी रेस्क्यू। अच्छा तो गाइस ये है इंडियन आर्मी के किसी ऑफिसर की कार है ये, और ये लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव मॉडल है, ये है फोर्ड सलून कार। यहाँ पे इसकी सारी डिटेल लिखी है इसमें, मतलब कितने पावर है, कितने BHP का है, कितने सिलेंडर का इंजन है, वो सारी डिटेल्स रखी हैं। और फ्रंट से कितनी ही शानदार लग रही है, एकदम मस्त। और अपोजिट साइड मतलब पीछे की साइड में एक ये प्लेन है, इसका नाम नहीं लिखा है, इसका नाम तो नहीं लिखा है यहाँ पे। ये है, ये सारे फाइटर प्लेन्स हैं। यहाँ पे इसकी मशीन गन रखी है, ये इसका रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट है इसमें, मिसाइल मतलब जो भी लगता है, बॉब्स। और ये है इसकी मशीन गन सेम इस साइड में। और एक ये है, इसका नाम लिखा है यहाँ पे, फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह, ये उनका स्टैचू है सामने, वहाँ पे फोटो भी है। ये प्लेन है शायद वो जो फ्लाई करते थे, बहुत ही बढ़िया जगह है ये घूमने के लिए। बहुत सारे प्लेन के मॉड्यूल हैं, कितना दिखाऊंगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी इतना सब दिखाया हुआ। तो हॉल HQ-2 ये वाला प्लेन होगा सर,
नहीं, ये वाला प्लेन है। ये है लाइसेंडर MK2। तो गाइस एक ये प्लेन है, ये है बापटी MK2A। और एक पीछे भी है एयरक्राफ्ट, कितना ही खतरनाक है यार इसको। ये है ओका, जापानीज मैन्युफैक्चरिंग प्लान है, मिसाइल फॉर सुसाइड, अ पायलट मिसाइल फॉर सुसाइड। अच्छा ये मिसाइल है, इसको लेके चले जाओ सीधा दुश्मन के, उसमें ब्लास्ट हो जाएगी। और ये एक प्लेन है, इसका नाम है हंटर हॉकर। इसकी टॉप स्पीड है 1150 किलोमीटर। इंजन जो इसमें इंजन यूज़ किया गया है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है रॉयल्स रॉयस का, A1 इंजन है इसमें। एक बार में ये 1839 माइल्स किलोमीटर मतलब माइल्स कवर करता है एक फ्यूल अप में। और एक ये प्लेन है SU-7 का पिछला भाग, अच्छा ये वाला, बाकी प्लेन तो शायद ये नष्ट हो गया होगा। अभी आपने जितने भी देखे थे वो इंडियन एयर फोर्स के फाइटर प्लेन्स थे, अभी मैं उनके आपको कार्गो प्लेन्स दिखाता हूँ, और जो इंडियन पैसेंजर टाइप प्लेन्स होते हैं वो दिखाता हूँ। तो एक तो ये भी फाइटर प्लेन है जो बाहर खड़ा है, और एक ये है इंडियन एयरफोर्स का, ये सिर्फ पैसेंजर प्लेन है। इसका कहीं पर लिखा हुआ तो नहीं है इसके डिटेल्स। और एक ये है पैसेंजर प्लेन, एक वो पीछे खड़ा है वो बहुत मतलब बड़ा वाला है, उसमें कार्गो है। ये है कार्गो प्लेन, इंडियन एयरफोर्स का ये कार्गो प्लेन है। ये इसमें नीचे एक छोटा सा ये रख, एक और प्लेन खड़ा है बहुत छोटा सा, ये तो आगे भी एक खड़ा, ये वाला प्लेन है ये भी बहुत बड़ा है। तो गाइस ये है इंडियन एयरफोर्स का कार्गो प्लेन, ये पैसेंजर प्लेन है मतलब जो इंडियन एयरफोर्स को इधर उधर ले जाते हैं। एक पीछे भी कार्गो प्लेन खड़ा हुआ, आप पीछे जाके दिखाएंगे आपको। और एक ये वाला भी कार्गो प्लेन है, ये छोटा है कंपेरिजन टू दिस वन। ये तो फाइटर प्लेन है, ये तो वो भी फाइटर प्लेन है। एक पीछे भी छोटा सा फाइटर प्लेन ही खड़ा है, इसके विंग्स के नीचे से निकलते हैं। ओ भाई जंक आ रही है इसमें, ये इसकी मदद से ब्लेड्स ये ऊपर नीचे होता था उड़ता था। हाँ ये ब्लेड है ना, ये ऊपर नीचे होता था उड़ता, तभी तो उड़ पाता। ये कौन सा है? ये फाइट इस्कारा, ये भी फाइटर प्लेन है। ट्रेनिंग के लिए वाला होगा ना ये। और गाइस ये है फाइटर प्लेन, नहीं फाइटर नहीं, ये वो है पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर, यूरो इंडियन एयरफोर्स को ट्रेनिंग करने वाला वो है प्लेन ही है, जिससे वो पैराशूट से जंप करने वाली ट्रेनिंग करवाते हैं। बट ये बहुत बड़ा नहीं लग रहा है इसका, पैजन इसके पीछे विंग्स, इसके विंग्स अलग टाइप के हैं पीछे, इसके विंग्स दोनों पीछे जॉइंट हैं। और इसका इंजन देखो गाइस कितना बड़ा है, इसका नाम है पैकेट। इसमें यहाँ पे लिखा है सारा कितनी रेंज है, ईयर इन सर्विस, कब तक सर्विस में रहा है, कितने किलोमीटर पर आवर की मैक्स स्पीड है, कौन सी कंट्री का ओरिजिन है, और ये इसका इंजन। एक ये देख, ये पीछे से इसकी टेल नीचे ओपन हो जाती है, इसके अंदर पूरा टैंक चला जाएगा, टैंक ट्रक सब चले जाएंगे इसके अंदर। एक ये बहुत छोटा सा प्लेन है, ये ट्रेनर रहेगा बिल्कुल बेसिक ट्रेनर, ये ट्रेनिंग वैसे यूज होते हैं। ये भी कार्गो प्लेन है। हम बताओ, हमें थोड़ा बहुत पता है क्योंकि हम भी ये फ्लाइट से प्लेट है गेम खेलते हैं, थोड़ा बहुत तो पता है मुझे ऐसा वाला, ये वाला ट्रेनर होता है कभी कभार जापान यूज। ये देखो ये हवा में हिल रहा है, रखे इतना छोटा है ये। तो गाइस ये देखो, इसलिए प्लेन यहाँ खड़े हैं
क्योंकि ये गल गया है, खड़े खड़े गल गया है, यूज होते होते गल गया। इसमें दो इंजन है, एक ये है एक ये है। ये इंजन है, है। आगे से इंजन है। हाँ फिलहाल ये मिसाइल भी नहीं है, कुछ और ये इसका होगा ना, व्हील का, व्हील के लिए है, व्हील के लिए। मैंने सही बोला लेकिन ये पहिया नहीं, आगे वाले पहिए तो लगे। तो गाइस ये है जो मेक 25 है, अभी देखा था हमने बोर्ड वहाँ पे, ये मेक 25 है। इसकी स्पीड है 3000 किलोमीटर पर आवर एट मैक्सिमम हाइट पे। अभी ये 2006 तक ये सर्विस पीरियड 2006 तक यूज हुआ है, ये इंडियन एयरफोर्स ने 2006 तक यूज किया है इसको। बाकी यहाँ पे ये भी प्लेन्स हैं। अच्छा ये है ना, हाँ मेरा टोल टेल पोर्शन ऑफ सुखोई G7 एंटी एयरक्राफ्ट गन से मतलब गोली गोली पड़ते हैं यहाँ पे। ये सुखोई SU-7 है ये वाला, और इसका सर्विस पीरियड भी मतलब अभी थोड़े दिन 86 तक है, तो सुखोई बहुत पहले से आ रहा है। हाँ ये मशीन गन है, हाँ हाँ इसीलिए इसका नाम भी नहीं लगा, बोर्ड नहीं लगाया होगा, ये हो सकता है उससे अच्छा वर्जन हो अपडेटेड। ये इसमें नीचे बॉम्ब लगे हैं ये, और ये इसकी मशीन गन है, ये आगे माउंट होती है या साइड में। ये मिस्ट्री MK-4A और ये इस साइड भी तो है। ये बॉम्बर रखी है, सच्ची में बॉम्बर है। ये भी है देखो, ये वाला देखो क्रशक, इसमें आगे इंजन है ये, और ये है डसॉल्ट ओरागन, तूफानी नाम, इसको तूफानी कहते हैं। ये फ्रांस कंपनी, फ्रांस इनका है ये प्लेन। अब ये तो सबसे अच्छी फिलहाल वो कार लग रही है, ये कार तो ऐसा लग रहा है अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, एकदम चमचमाती हुई। स्टार्ट करो और ले जाओ। ये है हैवीलैंड वैम्पायर, ये रातों को वैम्पायर भगाने के लिए है ये वाला। ये वाला ये पाकिस्तानी प्लेन है क्या? हाँ ब्लास्ट। अच्छा ये उस समय का लिखा हुआ है। अरे नहीं नहीं यहाँ पे गोली लगी है, ये जो इस पर रेड रेड सर्कल बने ना, यहाँ पे इस प्लेन के गोली लगी है आगे भी, जहाँ जहाँ पे ये रेड रेड सर्कल बना रखे हैं यहाँ यहाँ पे ये प्लेन के गोली लगी है। इंडिया से लड़ाई में जीता होगा, गिराया होगा ना। यू भी ये देखो, यू भी ये जो इसमें है ना, ये छेन छेन रेड रेड से यहाँ पे गोली लगी है, इसमें गोली लगी है या फिर वो मतलब बॉम्ब बॉम्ब पे कुछ हमला किया है, ये सब यहाँ टूटा है। तो गाइस यहाँ से आप पूरे हॉल में जितने भी प्लेन्स हैं सबका व्यू ले सकते हैं। और ये वाला प्लेन है जो कार के पास में खड़ा है, इस पाकिस्तान प्लेन है, इस पे गोलियों के मार्क्स भी हैं। और भी बहुत सारे प्लेन हैं जिस पे गोलियों के मार्क्स हैं। और कौन से हैं? दिखाई नहीं तो नहीं, एक ही वो बाहर है, हम लोग अंदर होते हैं। तो गाइस अभी हम लोग म्यूजियम से वापस आ चुके हैं, अभी हम लोग घर जा रहे हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वैसे म्यूजियम में विजिट करना बहुत अच्छा रहा, सबको मजा आया, सबने रियल के प्लेन देखे, पहली बार हम लोगों ने देखे थे फाइटर प्लेन इतने पास से, और वहाँ पे एक
ऑफ कार भी खड़ी थी जो दो तीन लोग ऑफिसर्स थे इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने यूज की थी 1982 तक, फिर 1993 तक नहीं 1992 तक यूज की थी, 1993 में म्यूजियम का पार्ट बना दिया था उसे। अच्छा, और वो कार अभी तक वर्किंग कंडीशन में है। जब एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को, तब इसको एक बार रिस्टार्ट करके घुमाया जाता है सर। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोगों को भी म्यूजियम अच्छा लगा होगा, एक आध बार मतलब महीने में एक आध ऐसे म्यूजियम घूम आना चाहिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती है और पता भी चलता है हमें अपने कंट्री के बारे में कि कौन से फाइट में कौन से प्लेन्स यूज किए गए थे, कब हुई थी फाइट, ये सब भी पता चलता है। वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा तो वो वाले प्लेन्स भी थे, पाकिस्तानी प्लेन और टैंक भी था, टैंक तो थे और प्लेन्स के पार्ट थे। एक प्लेन वहाँ पे वो भी खड़ा था पाकिस्तान का जिसपे गोलियों के स्पॉट्स थे, वो भी मैंने दिखाया था वीडियो में, लास्ट में है वो भी पार्ट वीडियो में। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं सब लोग, अभी तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।